राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय चार। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय चार। एलिशा के चार आश्चर्य कर्म। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर क्रून भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। फिर एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन यह तो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, तो हम भीत पर एक छोटी ऊपरउठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहां आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस ऊपरउठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चित उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलवाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। और स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर किवाड़ बंद किया। तब उतर गई और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहां झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहां क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण हो। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर
अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शुनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी कि क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे। तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा, मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। तब लड़के की मां ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसने कान लगाया। तब एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने सात बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शुनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तब एलिशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायन तोड़ ले आया और टुकड़े टुकड़े करके पकाने के लिए हंडे में डाल दिया। वो उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में मृत्यु है और वे उसमें से खा न सके। तब एलिशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। और कोई मनुष्य बालशालिशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलिशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया।